Hi everyone, my name is Nadia and welcome to my channel. Children, आज पता है कौन सा डेट है? 31, yes. तो कल अब कौन सा डेट होगा? 1, यानी न्यू ईयर. तो आज हम न्यू ईयर कार्ड बनाने जा रहे हैं, वो भी हार्ट शेप से. तो लेते स्टार्ट. इसके लिए एक मैंने स्काई ब्लू पेपर यूज किया है. आपके पास जो पेपर है वो बेस बनाने के लिए एक हार्ट पेपर, व्हाइट शीट, ब्लू, कुछ कलरफुल पेपर एंड सीजर. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये जो हमारा पेपर है इसको बीच से फोल्ड करना है, यानी ये हमारा कार्ड शेप में आ जाएगा, यानी ये बेस बन रहा है. ओके, ये मैंने व्हाइट शीट लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा. साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और कलर भी. तो सबसे पहले मैं अंदर का काम कर रही हूँ. तो जो मैंने व्हाइट पेपर लिया है उसे ग्लू से अंदर के साइज क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे. ज्यादा ग्लू यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ग्लू यूज करना है, जस्ट लाइक. अब कार्ड के अंदर जो बीच में है उसे हम लोग को पेस्ट कर देंगे. अब इसे साइड करके रख रहे हैं. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू में मैंने क्या कहा था, हार्ट शेप से हम लोग आज कार्ड बना रहे हैं. इसके लिए मैंने कलरफुल पेपर यूज किया, ये साइज मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें. अब इसे हार्ट शेप में कट करना, उसके लिए ये स्क्वायर साइज पेपर है, इसे बीच से पहले फोल्ड करना. फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा थंब है उसको बीच में रखना है और हार्ट शेप में कट करना है. यस, ये हमारा हार्ट शेप कट हो गया. आप चाहे तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, या डायरेक्टली कट कर सकते हैं. अब इसी तरह से मुझे बहुत सारे हार्ट शेप पेपर को कट करना है. तो मैंने ऑलरेडी कट करके बहुत सारे कलरफुल पेपर को रेडी करके रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा है. ग्रीन है, रेड है, स्काई ब्लू कलर है, बहुत सारे पेपर को मैंने कट करके रखा हुआ. तो ये से स्टार्ट. अब करना क्या है, एक मैंने स्ट्रिप पेपर कट किया, ये भी अपने साइज का. आप जो हमारा कार्ड है, ये जो मैंने कार्ड बनाया है, इस कार्ड की लंबाई को देखते हुए ये स्ट्रिप पेपर काटना है. मैंने रेड कलर यूज किया है, आप चाहे तो अदर कलर भी, या ब्लू, व्हाइट, कोई भी कलर जो ब्राइट कलर हो उसे यूज करना. इसे इस एक डिजाइन रेडी करना. एक्स्ट्रा पेपर है ये वाला, इसे कट करके हम लोग को निकाल देना. ये हमारा स्ट्रेट हो गया और ये हो गया हमारा स्लीपिंग. यहाँ पे इस डिजाइन में आपको रेडी करना, उसके लिए फेविकॉल. मैंने इस डिजाइन में कलरफुल पेपर को जो हमारा स्ट्रिप था पेस्ट कर दिया है डिफरेंट लुक देने के लिए. अब एक और डेकोरेट आइटम रेडी करना है, इसके लिए मैंने ब्लू कलर का स्क्वायर पेपर लिया है. ये साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. इसे सबसे पहले 1 फोल्ड, सेकेंड फोल्ड करने के बाद इसमें आपको 4 ब्लॉक दिखाई देगा. 1, 2, 3, 4, 1 ब्लॉक को आपको कट करके निकालना है. मैंने जो 4 ब्लॉक बताया था उसमें से 1 ब्लॉक को ये देख रहे हैं आप कट करके निकाल दिया. अब यहाँ पे दोनों जो लाइनिंग है स्टैंडिंग लाइन को एक साथ फोल्ड करना है, तो ये आपका इस शेप में आ जाएगा. अब ये जो हमारा इक्वल होना चाहिए
ये जो हमारा लाइनिंग यहाँ पे हाफ सर्किल से कट करना है, यानी यहाँ से देख रहे हैं आप हाफ सर्किल में थोड़ा सा कर्व करके कट कर दिया। यस, ये ओपन करने के बाद आपको इस शेप में दिखाई देता होगा। यस, अब इसके टर्न यहाँ पे जो ये शेप है नीचे का पोर्शन वहां पे हाफ थोड़ा सा कट करना, यानी ये आपको जस्ट लाइक ये शेप बटरफ्लाई जो शेप होता वो शेप में निकल आएगा। अब जो बेसिक जो लाइन है उसे थोड़ा सा कट करना है, ज्यादा कट नहीं करना नहीं तो हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। अब इसे ओपन करना है, ओपन करने के पहले ये आपका बटरफ्लाई की जैसा दिखाई देगा जस्ट लाइक। अब ये दोनों कॉर्नर को बीच में पेस्ट करना है, पेस्ट करने के लिए ग्लू यूज करेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं थोड़ा सा लगाएंगे। 1, 2, ग्लू में थोड़ा टाइम लगता है, 3, अपोजिट साइड। ये पेस्ट करने के बाद आपको इस शेप में दिखाई देगा। अब ये नीचे का जो हमारा स्ट्रिप है ये यहाँ पे हमको वी बनाना, यानी वी शेप में कट करना, तो सिंपल सा है। यस, एक मैंने कट करके बताया है, ऐसे ही आपको इसमें भी कट करना है। तो मैंने एक डेकोरेटिंग आइटम रेडी किया है, ये हार्ट शेप और ये हमारा बेस। अब ये सभी को इसके ऊपर एक डिजाइन में सेट करना, मैं सेट करके बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। और हमेशा फेविकोल बैक साइड यूज करते हैं, वो भी लाइटली बस। ये हार्ट शेप में बन रहा है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा हार्ट शेप कार्ड रेडी हो गया। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट जो नीचे में मैंने ये डेकोरेटिंग पेपर से बनाया है, इसे लास्ट में पेस्ट करना है। ये हमारा हार्ट शेप कार्ड कंप्लीट रेडी हो गया है ना, ब्यूटीफुल। अब अंदर के साइड भी जो मैंने व्हाइट पेपर पेस्ट किया है, यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है। एक मैंने बिग साइज का हार्ट शेप कट किया, यहाँ पे आपको बीच में पेस्ट करना है। हमारा अंदर के साइड भी हमारा जो थीम है वो रेडी हो गया जस्ट लाइक। है ना ब्यूटीफुल, हार्ट शेप में इजी बन जाता है और बहुत ही दिखने में सुंदर रहता है। ये हमारा बाहर साइड, इसको ओपन करते हैं, ये हमारा अंदर साइड। ओके, एक मैंने और कार्ड रेडी किया है, वो भी हार्ट शेप में
बट इसमें मटेरियल मैंने ग्लिटर पेपर यूज किया। कैन यू सी, देख रहे आप लोग बच्चे, सेम पैटर्न सेम डिजाइन, ये क्राफ्ट पेपर यानी कलरफुल पेपर से, ये हमारा ग्लिटर पेपर से, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ओके चिल्ड्रन, आज हम लोग न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड बनाना सीखे हैं, तो आप इस न्यू ईयर में अपने अपने हाथ से कार्ड बनाइए, अपने फ्रेंड को अपने फैमिली में दीजिए, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। टेक केयर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।